अब हम आते हैं, अब सबसे पहला टास्क कि इसमें शेप कैसे बनाते हैं। ठीक है, जी सर। तो हम यहां आते हैं, ये अपने पास शेप टूल है। शेप टूल में अपने पास पहला शेप है रेक्टेंगल टूल। मैंने रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब रेक्टेंगल डिजाइन करने के दो टाइप होते हैं। क्या होते हैं? एक तो आप जस्ट क्लिक कर दो, ये बॉक्स आ जाएगा, वहां आप अपने रेक्टेंगल की पिक्सल में विड्थ और हाइट डाल दो और ओके कर दो। फ्रॉम सेंटर करोगे तो पेज के सेंटर से आ जाएगा और वो रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। ये कोई हो गया ये वाला तरीका। दूसरा तरीका, आप क्लिक करके ड्रैग करके आप खुद बना लो जैसा आपको साइज चाहिए। ठीक है, यहाँ भी अपने पास में देखो नीचे कॉर्नर पे WH लिखा हुआ आ रहा है, वो इंचेस में आ रहा है जो अपनी फाइल साइज। तो आप इसमें अब जैसा कि भाई मेरे को तो इतना बनाना है तो आप ये बना लो, वो इतना बन जाएगा। ठीक है, अब हमने जब ये बना लिया और ये टूल सेलेक्ट है तो हम बस ये डिजाइन करने के लिए ये वाला टूल, और हमने ये बना लिया और इसकी अलग से लेयर बन चुकी है रेक्टेंगल वन नाम से। ठीक है, ओके। अब इसमें अगर आपने को चेंजेस करने हैं तो चेंजेस करने के भी दो जगह से आप कर सकते हो। एक तो ये जो हमेशा ऊपर आता है शेप टूल सेलेक्ट करते ही, ये चाहे कैसा भी शेप हमने बना रखा हो यहाँ पे, ये इसकी प्रॉपर्टी आ रही है ऊपर। दूसरा, CS6 के बाद में जब CC वर्जन 2013 से लॉन्च हुआ था तो उसके अंदर से अपने को ये नया पैनल मिलता है साइड में, ऑटोमेटिक आता है प्रॉपर्टीज का, दिख रहा है? ड्रो करके आ जाएगा। हाँ, इस पैनल पे भी यही वाले ऑप्शन है और एक नया ऑप्शन और दे रखा है यहाँ पे नीचे, जो पहले नहीं होता था और इसके लिए अलग टूल होता था, जो अपना इसके अंदर सेकेंड टूल है राउंडेड रेक्टेंगल। ठीक है, अच्छा सर, ये वाला दिख रहा है? लेकिन अब हम एक ही टूल से खाली रेक्टेंगल से राउंड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, दोनों ऑप्शन एक ही जगह मिल गए अपने को। अब क्या क्या कर सकते हैं? पहली चीज कलर, ये कलर आया, ये सॉलिड कलर है। इसमें चार टाइप होते हैं, नन, सॉलिड, ग्रेडियंट और पैटर्न। हम अभी नन और सॉलिड पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉलिड में मैंने को जो कलर चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ चाहिए आप पैलेट पे जाओगे, क्लिक करोगे, ये पूरा पैलेट आ जाएगा। इसमें आपको जैसी रेंज चाहिए हो वैसा कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये करंट कलर जो था और ये न्यू कलर जो हमने बनाया, जो हम यूज कर रहे हैं। इस कलर का हैश कोड आ रहा है, इसका RGB कोड है, लैब कोड है, CMYK कोड है। ठीक है, और हमने इसको ओके कर दिया, ये कलर आ गया। आ गया समझ में? जी सर। फिर इसको हटाना है, वापस मैंने कलर पे क्लिक कर दिया तो ये अंदर चले गया वापस। अब ये है स्ट्रोक, मतलब आउटलाइन। इस पे क्लिक किया, अब ये आउटलाइन का कलर आ गया। मैंने फिर सॉलिड कलर पे आ गए हम और ये आउटलाइन का ब्लैक कलर आ गया। ये है आउटलाइन का साइज, देखो आप अपने अकॉर्डिंग इस साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। और ये है उसका टाइप, सिंगल लाइन, डैश लाइन, डॉटेड लाइन। ठीक है, जैसी लाइन चाहिए आप यूज में ले सकते हो। फिर यहाँ पे आता है आउटलाइन का टाइप। जैसे अभी अगर मैं आउटलाइन की साइज बढ़ा रहा हूं तो बताओ आउटलाइन की साइज कहाँ बढ़ रही है? देखो, बॉक्स के अंदर ओनली, जो हमने शेप की हमारी बाउंड्री है उस शेप के अंदर ही आउटलाइन बन रही है, शेप के बाहर तो है ही नहीं है। तो यहाँ पे अपने पास तीन टाइप है, इनसाइड शेप, मिडिल ऑफ द शेप। अब ये देखो शेप के बाउंड्री के दोनों तरफ में आउटलाइन बढ़ेगी, मतलब बिल्कुल बीच में। और ये है आउटसाइड शेप। देखो अब शेप जो हमने शेप बनाया उसकी साइज अपने को फाइनल दिख रही है, इतना बड़ा शेप है, बाउंड्री बनाओगे तो अलग से बाहर ही बनेगी, बस वो अंदर नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक है, तो ये उसके टाइप हो गए। अब जो हम बात कर रहे थे राउंडेड की, तो ये राउंडेड कॉर्नर्स होते हैं इसके चार। ठीक है, मेरे को इसको चेंज करना है, मैंने इस पे क्लिक करके इधर ड्रैग किया तो इसकी वैल्यू चेंज हुई, हमने इसको कर दिया अराउंड 100। तो ये चारों कॉर्नर ऑटोमेटिक 100 हो गए, 100 पिक्सल पे रेडियस पे। अब चारों, ये देखो साथ में चारों इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने एक क्लिप लगा रखा है, ऑन है क्लिप। क्लिप को करोगे तो सारो चारों अपने रेशियो में नहीं होंगे, सब इंडिविजुअल होंगे। देखो इसको कर दो ऐसा, इसको कर दो ऐसा, इसको कर दो ऐसा, इसको कर दो ऐसा। ठीक है, तो आप ऐसे भी राउंड इसको कर सकते हो। दूसरी चीज, जब एक बार आप डिजाइन कर लेते हो फिर टूल्स पे स्विच कर लोगे, अगर ये प्रॉपर्टी का कलम हट जाता है तो ये फिर से शो नहीं होता है,
तो जब आपने एक बार राउंडेड कर लिया है, अगर ये चले गया क्योंकि ऊपर से अपने को नहीं दिख रहा, तो आप इसको बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमको इसको एक ही बार में करना होगा, नहीं हो रहा तो दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ऊपर देखो अपने पास में यही है ना सब कलर स्ट्रोक और ये टाइप। हाँ, तो ये तो हो गया अपना रेक्टेंगल टूल। ये मेनू बार में नहीं शो होगा ये लाइव शेप प्रॉपर्टी, क्या होगा ये अपन को ऊपर शो नहीं होगा ये लाइव शेप प्रॉपर्टीज में जाके ऊपर कोई फाइल वगैरह, ये तो यही है, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना शॉर्टकट ऑप्शन है जो ऑटोमेटिक आता है। अच्छा अच्छा, इसको आप कहीं रख नहीं सकते, रखने को तो ये रखा, ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर दो, बस इतना ही कर सकते हो आप इसमें। ये हट जाएगा, मैं टूल चेंज करूं कुछ और करने लग गया, तो अगर ये हट गया मैं कुछ और कर रहा हूँ बाई चांस किसी भी तरीके से, तो अब देखो ये हो गया, मैं तो शेप पे हूँ, ये लेयर सेलेक्ट है, ये तो चले गया ना अब तो। अब मेरे को चेंज करना है तो मैं क्या करूँ, इससे नहीं हो सकता, अब तो यहीं से करना पड़ेगा कुछ। ये नहीं रेक्टेंगल नहीं, ये तो टूल एक ही टूल है, शेप टूल है पूरा। अच्छा अच्छा, जैसी शेप बनानी होती है उसके लिए क्लिक करते हो, लेकिन ये शेप टूल आपने यहाँ लेयर में से सेलेक्ट कर लिया, अब इसमें कलर चेंज करना है तो शेप टूल सेलेक्ट कर लो, ये प्रॉपर्टीज आ जाएगी, इस प्रॉपर्टी में अब चेंज कर दो, ठीक है। हेलो, हाँ सर, हाँ ठीक है ना, आगे समझ में। अब ये तो था रेक्टेंगल टूल, अब हम आते हैं नेक्स्ट टूल पे, राउंडेड रेक्टेंगल, जो कि अगेन रेक्टेंगल ही है, बस यहाँ पे डायरेक्ट इसमें रेडियस डाल सकते हो आपकी, राउंड करने की रेडियस है ना, तो चारों कॉर्नर पे एक साथ करेगा फिर ये, अलग अलग नहीं करेगा, अलग अलग नहीं करेगा, यही तो है, तभी तो ये नया टूल दिया था इन्होंने कि ये आ जाए प्रॉपर्टी, फिर यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो। बिल्कुल। इसके बाद में आता है इलिप्स टूल, सर्कल क्लिक करके आप सर्कल बना सकते हो, किसी भी तरीके के इलिप्स बना सकते हो आप, ठीक है। बनाओगे उसकी प्रॉपर्टी में अब क्या आएगा, कलर स्ट्रोक और उसका टाइप, राउंड ही ऑलरेडी है, ठीक है। ओके, अब हमने बनाया रेक्टेंगल, मेरे को बनाना है स्क्वायर, तो आप शिफ्ट के साथ इसको बनाओगे, पहले क्लिक करोगे, ड्रॉ करने लगोगे, बाद में शिफ्ट प्रेस करोगे, फिर इसको स्ट्रेच करोगे जितना बनाना है, जितना बन गया फिर क्लिक छोड़ दोगे, बाद में शिफ्ट छोड़ोगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर बनेगा। इसी तरीके से अगर आप इलिप्स पे आते हो, तो जब आप इलिप्स बना रहे हो, मेरे को एक्चुअल सर्कल बनाना है, तो क्लिक करने के बाद में, मतलब डिजाइनिंग होने के बाद में आप शिफ्ट प्रेस करोगे, फिर ये सर्कल में आ जाएगा एग्जैक्ट, फिर पहले क्लिक छोड़ना है, बाद में शिफ्ट छोड़ना है, क्योंकि अगर पहले शिफ्ट छोड़ दिए माउस इधर उधर हुआ तो वो चेंज हो जाएगी उसकी शेप, ठीक है। ओके, अब हमने जितनी शेप बनाई है ये देखो लेयर्स में अपने पास आ गई वहां पे सारी, ओके। इसी तरीके से अब नया टूल है अपने पास में, पॉलीगन टूल। पॉलीगन क्या करता है, इसके अलग अलग साइड्स होते हैं, साइड्स कहाँ होते हैं, ये ऊपर लिखा रहा ऊपर साइड्स, अभी है थ्री साइड्स, तो ये क्या बनेगा, ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, हम करेंगे फाइव तो पेंटागन बन जाएगा, देखो। तो जैसी साइज आपको चाहिए हो वैसे साइड, जितनी साइड्स चाहिए उतनी साइड्स आप ले सकते हो। अब इसमें भी क्या होता है, जैसे पेंटागन है बट मेरे को तो सीधा बनाना है कि बेस लाइन बिल्कुल नीचे आए, तो आप बनाते टाइम पे शिफ्ट प्रेस करोगे, फिर आप बस इसको ऐसे रोटेट करते रहोगे माउस के, आप देखो ये स्ट्रेट आ गया ना नीचे से, ऊपर से चाहिए तो हम और रोटेट करते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं ऊपर वाले एंगल पे कहीं आएगा, ये आ गया देखो ऊपर से, तो माउस को जस्ट रोटेट करना है, ठीक है। और मैंने शिफ्ट प्रेस कर रखा है अभी, अब मैं क्लिक छोड़ रहा हूँ, फिर मैंने शिफ्ट छोड़ा, आगे चीज समझ में। तो एक बार फिर से समझाना है, ये क्लिक करा, ड्रैग करा, माउस को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, कोई कुछ भी नहीं दबा रखा मैंने, खाली एक हाथ से माउस पकड़ रखा है अभी और ऐसे घुमाए जा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब मैंने क्या किया, शिफ्ट दबा दिया, तो अब ये फ्री हैंड नहीं घूमेगा, ये 15 डिग्री 30 डिग्री के एंगल में घूमता है, देखो
अच्छा सर, तो इस एंगल में नीचे से बेस आ रहा है इसका, स्ट्रेट ऊपर पॉइंट आ रहा है, और मैं इधर लेके आऊं इस एंगल में ऊपर बेस आ रहा है, नीचे पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब मैं पहले क्लिक छोड़ूंगा, बाद में शिफ्ट, तो ये बन गया। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज, फिल कलर चेंज करना है फिल कर लो, स्ट्रोक चेंज करना है स्ट्रोक का कलर चेंज कर, डन। ओके सर, ये बन गया अपना पॉलीगन। इसी तरीके से नीचे लाइन टूल है कि आपने ये लाइन टूल बना ली। लाइन की वेटेज मतलब मोटाई कितनी रखनी है वो यहाँ लिखा आता है। वेट अभी जैसे है 13 पिक्सल, हम और बढ़ा दें, ये लो और बढ़ गई। बट वही मैं देखू यार, ये वाला काम तो मैं रेक्टेंगल से भी कर सकता हूँ, है ना। अब वो तो अपने पास शेप है, आपकी जैसी मर्जी हो, जिससे मर्जी हो आप बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, फिर इसके बाद में आते हैं कस्टम शेप्स, मतलब ऐसे शेप जो ऑलरेडी बने हुए हैं, डिजाइन कस्टमाइज है। तो शेप्स में यहाँ हम आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ मेरे को इतने सारे शेप दिख रहे हैं, कोई भी बनाना है क्लिक करेंगे, ड्रैग करके बनाने लग जाओगे, प्लस शिफ्ट दबाना है प्रोपोर्शनेट बनाने के लिए, नहीं तो खराब हो जाएगा। फिर मैंने क्लिक छोड़ा, बाद में शिफ्ट, ये बन गया, ये रही अपनी वही शेप की प्रॉपर्टी। आ गया समझ में? अब ये तो था अपना शेप टूल जिससे कि हम शेप बना रहे हैं, बट अब मेरे को अब कुछ चेंजेस करने, कैसे कि मेरे को शेप को मूव करना है, रोटेट करना है, साइज चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम आते हैं सबसे ऊपर वाले टूल पे, जो कि होता है मूव टूल, इसका शॉर्टकट है वी। वी प्रेस करूंगा मैं जैसे कीबोर्ड में, देखो वी, वो सेलेक्ट हो गया, मूव हो गया। और इसमें मेक श्योर कि ये ऑन होना चाहिए आपके पास में, शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स, ठीक है, जिससे कि अपने को आइडिया भी लग जाएगा कि ये शेप जो आपने लेयर सेलेक्ट कर रखी है वो कौन सी है। दिख रहा है अभी कि अब ये वाली लेयर है, आप मूव कर सकते हो। अच्छा, तो आप किसी भी लेयर को सेलेक्ट करोगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा और उसी पे वर्क होगा फिर, देखो जिस लेयर को आप काम कर रहे हो। जैसे हम इसको लेते हैं, मूव करने के दो तीन तरीके हैं, बाहर से कहीं से भी कर सकते हो, क्यों, लेयर तो वही सेलेक्ट है आपकी, है ना, और टूल यही है मूव टूल, कहीं से भी कर सकते हो। गलती से मत, कभी बीच में से मत करना, बीच में से करोगे तो ऐसे मूव करोगे सेंटर पॉइंट मूव हो जाएगा इसका, ये है ना, सेंटर पॉइंट बाहर आ गया, तो ये अपने को नहीं करना है। इस सेंटर ऐसे वही, सपोज कि कोई शेप है ना, इतनी सी शेप है ये, अब मैं जूम भी नहीं करूं और मैं चाहूं कि यार मैं इसको है ना मूव भी करूं, तो मैं और ऐसे जाऊं ऐसे पकड़ूं, यार मूव ही नहीं हो रहा है। तो भाई आप इतना छोटा कर लिया, सेंटर पॉइंट इतना बड़ा है, बीच में जाके खींच रहे हो तो सेंटर पॉइंट ही तो खींचेगा ना। मूव करना है तो या तो आप ऐसे ही कर लो आप अपने अकॉर्डिंग, नहीं तो प्रॉपर करना है आप ऐसे जूम करो, फिर अंदर अंदर ऐसे करना है तो फिर ऐसे मूव करो, है ना, ऐसे हम कर सकते हैं। और इसमें अंडू के लिए, सिंगल अंडू के लिए कंट्रोल जेड, मल्टीपल्स के लिए कंट्रोल ऑल्ट जेड, ठीक है, जेड, ओके सर, कंट्रोल जेड सिंगल अंडू, कंट्रोल ऑल्ट जेड मल्टीपल अंडू, ओके। हमने ये शेप बना लिया, यहां से सेलेक्ट हो गया, अब शेप को मूव करना हमने सीख लिया, तो हम मूव करके इधर उधर इसको कहीं पे भी रख सकते हैं। इसको रख दिया, फिर दूसरे पे क्लिक किया, दूसरे को मूव करके रख दिया किसी को, अब जैसे ये इतना नीचे दबा हुआ है मेरे को ऊपर रखना है, तो लेयर को मैंने यहाँ से पकड़ा, ड्रैग करके ये ऊपर रख दिया, वो सबसे ऊपर आ गया, आ गया ना। शॉर्टकट नहीं इसके, मतलब क्या, मतलब कि किसी भी ये शेप को ऊपर लेके आना, नीचे नीचे हो तो जैसे कॉरल में कंट्रोल पेज है ना वैसे। हाँ वैसे आप कर सकते हो, मैं आपको सारे शॉर्टकट दे दूंगा इनके, आप देख लेना। अच्छा, हाँ ओके सर, तो आप किसी को भी ड्रैग एंड इन ड्रैग एंड आउट कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब ये होने के बाद में और हम क्या कर सकते हैं, हम इसको रोटेट कर सकते हैं, कैसे, कोई भी शेप हो पहले उसको सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट हो गई, फिर एक बार कॉर्नर पे देखो, कॉर्नर पे आएंगे तो ये टूल आ रहा है ना अपने आप ऐसा, कॉर्नर वाला घूमने वाला, बस यहाँ आके क्लिक करना है, एक बार क्लिक हो गया, अब आप इसको घुमा सकते हो देखो, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट एंगल पता है तो ऊपर जाके आप एंगल डाल दो, कितने एंगल घुमाना है, नहीं पता तो आप यहाँ से कर लो, ये भी नहीं पता एग्जैक्ट करना है तो क्लिक करके जब आप घुमाओगे तो शिफ्ट प्रेस करके घुमाओ, ये 15 डिग्री के एंगल में आपको लेता जाएगा, देखो जा रहा है जहां आपको रुकना हो। हर शेप में 15 डिग्री लेगा क्या? मूव टूल का काम है 15 डिग्री घुमाना, आप शेप कैसा भी हो, लेयर में कुछ भी रखा हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, 15 डिग्री
बस शिफ्ट के साथ करोगे तो 15 डिग्री से एंगल के साथ डिफरेंस में घुमाता है, अच्छा, है ना। अब इस लेयर में कुछ भी हो जाए, ये लेयर कोई भी हो सकती है, लेयर में शेप हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, सेलेक्टेड पार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लेयर में, ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाई लेयर को मूव कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं छोटा बड़ा कैसे करते हैं। छोटा बड़ा करने के लिए अगेन शिफ्ट का यूज करना होगा फॉर प्रोपोर्शनेट, नहीं तो चीज बिगड़ जाएगी, स्ट्रेच हो सकती है, श्रिंक हो सकती है, ठीक है। तो हमने कॉर्नर पे छोटा करने के लिए डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक बार कॉर्नर पे एक बार क्लिक करेंगे जिससे एडिटिंग मोड में आ जाए। और देखो यहाँ जब भी हम एडिटिंग करते हैं तो ये देखो ऊपर ही आता है क्रॉस और ओके का, ये कैंसिल कर सकते हो और जो भी कर लोगे इसके बाद ओके कर दो जिससे वो शेप में वापस आ जाए। जब तक वो ऊपर ऐसा है तब तक नीचे कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ क्लिक किया, अरे जैसे ये एडिट मोड में आ गया ना, अब मैं चाहूँ भाई मेरे को तो ये टूल चाहिए, मैं काम करूँ, ये क्या आ गया भाई, ये क्या आ गया। अरे तो आपने एडिट मोड में चले गए थे, आपने इसको यहाँ से अप्लाई नहीं करा, ओके ही नहीं करा, तो अब ये पूछ रहा भाई करना है क्या ओके, जो आपने चेंजेस करे उसके। हाँ, तो जब भी एडिट मोड में जाओगे तो आपको हमेशा ऊपर से ओके करना होगा। एडिट मोड मतलब अगर आप गलती से सेंटर पॉइंट को मूव कर देते हो तो भी एडिट मोड में आ जाता है, साइज छोटा बड़ोगे तो आ जाएगा, रोटेट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मेरे को रोटेट करना है, वो सॉरी साइज छोटा करना है, क्लिक करके छोटा करा। अब प्रॉपर करना है तो शिफ्ट के साथ करूंगा मैं, देखो हो रहा है प्रॉपर। और पहले क्लिक छोड़ना है, बाद में शिफ्ट, और ऊपर से मैंने ओके कर दिया, ये हो गया सेट। ऐसे हम मूव टूल का यूज लेते हैं। आ गया समझ में? अब मैं इन सारी शेप्स को यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट की मैंने शिफ्ट के साथ और इनको डिलीट कर दी, देखो ठीक है। अब हमने मूव टूल देखा, हमने शेप टूल देखा, हम देखो यहां थे। अब अपने को सबसे पहले तो क्या करना है, फाइल सेव करने के लिए एक तो आप PSD फॉर्मेट जो इसका होता है वो सेव करोगे, सेव एज, फिर यहाँ जाओगे डेस्कटॉप वगैरह जो भी लोकेशन करनी है वो, और यहाँ PSD और अपना नाम जो भी फाइल का नेम है वो डाल दो। एक तो PSD जो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट जो कि ऐसे दिखेगी, ठीक है, जिसको आप बाद में कभी भी ओपन करके चेंजेस कर सकते हैं। दूसरी बार जब इसको सेव कर दोगे, सेव कर दोगे फिर वापस फाइल पे जाओगे, सेव एज पे आओगे, फिर क्या करना है, इसको यहां से क्लिक करके ऊपर से जब नीचे आएंगे तो उसमें फर्स्ट JPG आएगा, ये वाला, इस पे क्लिक करना है और इसको सेव कर देना है, ठीक है। तो ये सेव हो जाएगा JPG के अंदर। आगे समझे इसी फाइल को या फिर कुछ सिलेक्ट करके सेव करना है, जैसे अपने इतना ये नाम वगैरह सेव करना है तो ना ना ना, इसमें तो पूरी फाइल ही वो होगी। अच्छा, पूरा ही सेव होगा, जितना दिख रहा है वो पूरा सेव होगा। आपको चाहिए, मेरे को ये नहीं दिखे तो आप यहाँ से हाइड करके हटा दो ना उसको। अच्छा, तो ये पूरा ही सेव, आपने तो यहाँ से हाइड कर दिया, तो अब जो दिख रहा है वो होगा, पूरा पेज होगा इसमें। ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको आधा बाहर निकाल दूं पेज से तो वो आधा भी हो जाए, नहीं, जितना ये पेज है बस उतना ही होगा, बाहर का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ओके सर, तो ये रहा अपना आज का टास्क।